अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जा रहे हैं दुबई सफारी, तो आप लोग देखें दुबई सफारी कैसा। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो चले पहले रास्ता का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है, और उसके बाद फिर दुबई सफारी दिखाती हूँ, जू जा रही हूँ। ये है ड्रैगन मार्ट, चाइना का मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। नेक्स्ट टाइम आपको इसका भी वीडियो दिखाऊँगी। अब ये देखें हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ से आपको दिख रहा ना लॉयन का पिक्चर, ये लिखा है दुबई सफारी। तो हम लोग आ चुके हैं, ये देखें हम लोग जू में एंट्री कर चुके हैं। एंट्री बहुत ही खूबसूरत है, फील हो रहा है कि हम लोग जंगल में एंट्री कर चुके हैं, बट जंगल इतना खूबसूरत है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। सबसे पहले हाथी से मुलाकात हो चुकी है हेलीपैड पर, उसके बाद देखते हैं कौन सा एनिमल्स मिलता है, बट ओरिजिनल तो नहीं है, वो स्टैचू बना है। ये देखें वाह वेरी ब्यूटीफुल। और अब उसके बाद देखते हैं और आगे कैसा है, फिलहाल अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अंदर में है क्योंकि 15-10 मिनट लग रहा है। हम लोग जा रही हूँ 5 to 10 है, 15 नहीं है। और उसके बाद पार्किंग के इधर टैक्सी भी है, आपको टैक्सी अवेलेबल है, बस भी आती है, तो आप आराम से यहाँ आए बिंदास। जो भी दुबई में रहते हैं या जो आने वाले हैं, इधर जिराफ का स्टैचू बना है और हम लोग को लगाएंगे अब पार्किंग, लग गई है अब गाड़ी पार्किंग में, अब हम चलते हैं एंट्री। पहले जो टिकट लेना है, टिकट काउंटर किधर है, ये यहाँ से एंट्री है। और पहले तो टिकट काउंटर के पास जाएंगे, टिकट का क्या प्राइस है। सिर्फ एंट्री 50 दिरहम है, इंडिया का मतलब 1000+ रख लें तो 11 तक आएगा। और अभी का रेट क्या चल रहा है, अभी 50 दिरहम का लेना सही नहीं था, हम लोगों ने 90 दिरहम का लिया है, अडल्ट 90 दिरहम और चिल्ड्रन 45 दिरहम, तो दो चिल्ड्रन और दो अडल्ट। और अब हम लोग चलते हैं सफारी जू की तरफ। ये है टिकट, 4 टिकट है, इंडिया का प्राइस आपको 2000 पर पर्सन रख लें लगभग में। और ये है टिकट स्कैन किया और इधर आ चुके हैं हम लोग, टिकट लेकर पास हो गया और चले अब जू की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग चिड़ियाघर रहते हैं, एक भी चिड़िया नहीं दिख रहा फिलहाल। और यहाँ पे आपको ट्रॉली अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, तो हम लोग ने 90 ग्राम का टिकट कर लिया है, तो उसमें हम लोगों को मिलेगा छोटी सी ट्रेन, और ट्रेन से हम लोग इसमें सफ़र करेंगे। अगर 50 ग्राम का लेते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आ करके और सिर्फ चारों तरफ यूँ देख करके जा सक चले जाएंगे और कुछ भी नहीं है। तो 50 ग्राम का टिकट हम लोगों को तो सही नहीं लगा, और क्या आप लोगों की मर्जी। और लोग आ रहे हैं, ट्रेन चालू हो गया है, ये देखे ट्रेन का अच्छा लग रहा है, जंगल में ट्रेन में बैठ कर के घूम रहे हैं, वो भी खुला हुआ ट्रेन है। और ये है रेस्टोरेंट, जंगल की तरह मतलब बनाया है झोपड़ी के स्टाइल में। ये है आइसक्रीम का शॉप, ये भी वही है, तो काफ़ी सन्नाटा है, बहुत कम लोग हैं। और हम लोग को ले कर के जा रहे हैं एक्सप्लोर विलेज, उस अफ्रीकन विलेज, और 3-4 स्टॉप है यहाँ अंदर में। हम लोग सर एक्सप्लोर, ये है अफ्रीकन विलेज, शायद हम लोग ये स्टॉप पे लेकर आए हैं, बट हम लोग को नहीं अभी इसके अंदर जाना है, इसमें हम लोग बाद में आएंगे। मेन है एक्सप्लोर विलेज, उसमें जाना है। और हम लोग आ चुके हैं, ट्रेन से उतर गए, निज़ार गेट लगा रहा है, और नहीं लगा निज़ार से गेट। और हम लोग चलते हैं अंदर, बस ये इधर लाइव शो चल रहा था बट टाइमिंग ख़त्म हो गया, हम लोगों को नहीं मिला
हम लोग आ गए हैं इधर एक्सप्लोर विलेज में, काफ़ी लाइन है और ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसके अंदर ही आपको लायन टाइगर जितना भी खतरनाक जानवर है ना इसमें ही दिखता है, ये 50 ग्राम के पैकेज में नहीं आता है। ये है अफ्रीकन ब्रदर जो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, हम लोग बस में बैठ चुके हैं। उसके बाद अब ये देखिए इसमें डोर नंबर 0, अभी 0 से स्टार्ट हुआ है। अब ये धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ गई जंगल की तरफ, और ये है पानी, पानी से क्रॉस करके जाएगा, ज़्यादा बस पानी के अंदर नहीं जाता है थोड़ा। उसके बाद तो एक एनिमल्स भी था हिप्पो शायद, तो ये पानी में डूबा है, कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ ऊपर एक थोड़ा सा लेयर दिख रहा है स्किन का। तो फिर आप लोगों को मैं दूसरा दिखाती हूँ, ये हम लोगों को पूरा एनिमल्स का गाइड किया, कौन सा एनिमल्स कौन सी कंट्री से आया है, कौन क्या खाता है, कौन क्या करता है, सारा चीज बताया है। तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत अंदर का डिज़ाइन बनाया, बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। ये गेट बाई गेट है, ये देखिए जिराफ गेट नंबर 0 में क्रॉस कर चुके हैं, 1 भी, ये 1 है गेट नंबर। हर गेट के बाद एक एक एनिमल्स है, उसका एक घर है, एक एरिया है, उसके बाद फिर दूसरा गेट है, फिर एक एनिमल्स का एरिया, फिर उसका कोई भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, सबका अलग अलग एरिया है। ये देखें कैसे सेंसर लगा है गेट में, सब ऑटोमेटिक खुलता, कोई बंदा नहीं है, सारा गेट बस आता है, गेट खुद बहुत खुलना शुरू हो जाता है। और यहाँ देखें कौन सा एनिमल्स है, यहाँ ये मंकी का एरिया है, अंदर फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं सब एक दूसरे का, अभी घोषित टाइम चल रहा है अभी मंकी का। ये जेब्रा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग देख देख के, जेब्रा क्रॉसिंग जेब्रा देख के याद आ गया। और ये बड़ी सी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ऑस्ट्रिच। और ये पानी है, सारे एनिमल्स का पानी पीने के लिए, बट जो एनिमल्स एक दूसरे के साथ ना रह सकते हैं वो एक दूसरे के साथ है, ऐसे तो लायन टाइगर सारा सेपरेट है। और ये अलग है, इस प्रजाति का सारे एनिमल्स एक एरिया में है। अब हम लोग दूसरे डोर में जाने वाले हैं, डोर नंबर 4 या 5 है। ये है गुफा, आर्टिफिशियल गुफा है, नेचुरल में वो सब बनाया हुआ मेड मैन। अब है ये गेट देखें कैसे ओपन हो रहा है धीरे धीरे, अब देखे कौन सा एनिमल्स हम लोगों को दिखने वाला है जंगल में, इतना प्यारा सा खूबसूरत सा जंगल में हम लोग घूम रहे हैं, कोई भी एनिमल्स का कोई डर नहीं। ये देखें सारा एनिमल्स का राजा, ये जंगल का राजा यहाँ बैठे हैं भाई, राजा है तो जाहिर सी बात है कि वो तो बैठे ही रहे, काम तो करेंगे, आराम से बैठे हुए हैं। ये लॉयन को देख कर थक गया बेचारा, बहुत रेस्ट कर रहा आराम, इधर है बहुत बड़ा ही लॉयन है। और ये मुझे समझ में क्या एसी लगा है, ये लॉयन का गुफा है अंदर, एसी लगा है मुझे लग रहा है यही है, पर कंफर्म नहीं। ये दो लॉयन को देखें कहाँ ऊपर गार्डिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं कुछ लोग बैठे हैं, और ये दोनों सबसे टॉप पे हैं, तो सबसे टॉप पहाड़ के ऊपर चढ़े हुए देख रहे हैं सब कुछ चारों तरफ, सब कुछ ठीक है जंगल में। बहुत बड़ा ही है लायन, और दो एक दो छोटा भी था तो बहुत बड़ा था। और ये है बफेलो, साउथ अफ्रीकन बफेलो, और ये वाइट है, वाइट वाला हिप्पो, क्या कहते हैं इस एनिमल्स को, मुझे तो यही नाम पता है और आप लोग भी बताएं क्या कहते हैं। और ये देखें क्रोकोडाइल आराम से सो रहा है पानी में, क्योंकि अभी तो गर्मी ज़्यादा है नहीं, मौसम अभी ठीक है यहाँ। ये वाइट पता नहीं कौन सा एनिमल्स है वाइट कलर का, और ये तो पहचानते ही हैं सबको, डियर
अपना बस का इंतजार कर रहा है। खूबसूरत सा एनिमल, बहुत ही प्यारा। बस बस आ गई, अब वो बस को देखेगा। हम लोग उसे देख रहे हैं, वो हम लोगों का बस को देख रहा है। ये देखिए इसके सीन कितना खूबसूरत है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा इसका। यहाँ टाइगर, ये देखिए टाइगर, एक टाइगर यहाँ बैठा है और बाकी एक दो वॉकिंग कर रहा है। पांच मैंने यहाँ देखा टाइगर, किधर है दो साइड में था। आज ये भेड़िया झुंड में केले जो नहीं रहता, ये तेंदुआ कौन सा एनिमल है, मैं मुझे तो लग रहा वही है, कंफर्म नहीं। और हो चुका है उधर अंदर का राइड्स ख़त्म, हम लोग बस से वापस आ चुके हैं। और निशाज ऐसा कपड़ा पहन के आया है, जितने भी यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करने वाले हैं सारा एक ड्रेस है, और निशाज सेम उसका ही ड्रेस अपोजिट पहना है। बच्चों को लग गया है थोड़ा भूख, चिप्स और जूस लिया है कि हो गया एनर्जी लो थोड़ा थोड़ा घूम कर। अब दोनों को चिप्स और जूस लिया, अब खाने पीने के बाद चलते हैं। अब आ गए हम लोग एशियन विलेज में, चले अब यहाँ देखते हैं क्या है एशियन विलेज। हम लोग थक गए हैं बहुत ज़्यादा चल चल कर, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। फिर भी हम लोग ने जो पैकेज लिया है उसमें ट्रेन का मतलब कि ये था, ट्रेन था हम लोगों तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर नहीं होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें ये कौन सा एनिमल है, छोटी सी क्यूट सी लग रही है। अब ये भी देखें गेट कैसे खुला है, जंगल में कोई नहीं, कोई पर्सन नहीं है, ऑटोमेटिक गेट खुल गया। अब यहाँ कोई भी खतरे वाले एनिमल्स नहीं है, इसमें खुला ट्रेन में हम लोग बैठ के आराम से घूम रहे। ये देखो निशाज चेक कर रहा है जिंदा है या नहीं है, हिल क्यों नहीं रहा। और ये इधर सच्चे, हाँ एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, हर तरफ फैन लगी है बड़ी सी और फैन से पानी निकल रही है सहारा टाइप का। ये देखो गर्मी फील नहीं हो रहा है। ये है पैरट चिड़ियाघर का ओरिजिनल सब चिड़ियाघर, छोटा सा इसके अंदर सिर्फ पैरट थे, हम लोग अंदर पैक हो गए चारों तरफ से। अंदर में आकर के हम लोग पैरट के सब वीडियो बनाया। निशास को लेकर पैरट को लेकर क्या खुश हो रहा है, पैरट उड़ गया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये अंदर आने के बाद बाहर से गेट लगा देता है क्योंकि पैरट उड़ ना जाए बाहर, तो शायद इधर वॉशरूम है। ये देखिए गॉड, गाय नहीं थी कौन नहीं था, इधर बकरी है, ये बकरी का पापा है, बड़ा सा है बाकी सब छोटा है, बड़ी सी बकरी। ये देखो कितना खूबसूरत एट द रेट दुबई सफारी लिखा, ये स्नेक है। और मैं तो नहीं गई थी, बच्चे गए थे इसके अंदर, अफ्रीकन विलेज में हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोगों का टाइम ख़त्म हो गया क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका था, तो सारा गेट बंद होना शुरू हो गया था, तो हम लोग लाइव शो नहीं देख पाए और एक दो भी नहीं देख पाए क्योंकि हम लोग 3 बजे वहाँ पहुँचे, 2 घंटे में जो भी हो सके हम लोग ने देखा और इन्जॉय किया, पर बट इन्जॉय किया 2 घंटा, शायद 2:30 बजे हम लोग पहुँचे थे, यही 2-3 घंटा। अब हम लोग का हो गया सफ़र ख़त्म, अब हम लोग जा रहे हैं एग्जिट गेट के पास, तो आ गई है ट्रेन। अब हम लोग एसी वाली ट्रेन में बैठे हैं, उस टाइम खुला ट्रेन था। अब हम लोग आ चुके हैं एग्जिट गेट के पास, उतर गए ट्रेन से आते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा सफारी जर्नी ज़रूर बताएं, हमने तो बहुत एंजॉय किया है। और यहाँ भी देखें एग्जिट के पास अंदर मार्केट बना है थोड़ा छोटा सा, जिसे शॉपिंग करना है तो कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत भी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।